ऑर्डर कर दिया है। वैसे ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी रानी नहीं मान रही है, संदीप जी नहीं मान रहे कि नहीं नहीं खा लो खा लो, यहीं पर खर्च लेंगे। तो बस देखते हैं, यहाँ का टेस्ट भी ले लेते हैं कैसा खाना है। मैं रानी से कह रहा हूँ, रानी तो खा ले, तो रानी के लिए सब लोग ही खाएंगे, सब खाएंगे। तो बस ऑर्डर दे दिया है, और ये भैया ऑर्डर दे दें। ऑर्डर ले लिया है, तो बस अब ये लेकर आएंगे। A few moments later, लो जी फाइनली हमारी थाली आ चुकी है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, और ये चपाती रानी की थाली है, संदीप जी की थाली वो, और भैया ना पराठे, पराठे कलर अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं खाने की। पहले पापा भैया, स्वागत दोस्तों, खा लो खाना। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी टेस्ट किया, लेकिन जो हाथ जो स्वाद ना मम्मा के हाथों का है ना, वो कहाँ। वैसे सही खाना कोई नहीं, बढ़िया। ये सही है, तीन सब्जियां हैं, सब्जियां तो मतलब वाकई मतलब टेस्ट किया, लेकिन चपाती है ना, चपाती तो बस मम्मी के हाथ से अच्छी लगती है। ये थाली पूरी सब्जी वाकई में अच्छी है, लो जी दोस्तों फाइनली खाना हो गया हमारा, और बस लास्ट में रह गया हमारा गुलाब जामुन। देखो बस इसे खाता हूँ थोड़ा थोड़ा कट करके, और ये हाँ ये टेस्टी है।
अच्छा ये काफी अच्छा है, सब्जी जितनी भी सब्जी थी सारी सब्जी टेस्टी, और जो रायता था वो भी टेस्टी, बस चपाती मुझे थोड़ी। A few moments later, फाइनली यहाँ से मतलब फ्री हो गए हैं और यहाँ पर कल पार्टी है, तो उस हिसाब से मतलब ये बोला अरेंजमेंट करना है। तो ठीक है, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। एक तो फार्म है, वो मतलब ये फार्म इम्प्रेशन फार्म है कि मतलब कितना आपको हमारा जो सर्विस है हमारी अच्छी लगी या नहीं लगी, खाना कैसा लगा। तो संदीप जी भर रहा है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया है। तो ठीक, अब निकलेंगे यहाँ से। बहरहाल अच्छा है सब, सही है, वेल डेकोरेटेड है। यहाँ के वर्कर से वो बोल रहे हैं कि हमारा अंदर भी है, तो दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या है, कैसा है। अच्छा, ये भी यहाँ पर अच्छा है, सही है। यहाँ पर और बढ़िया है, उधर से भी अच्छा है। लाइटिंग चलने के बाद देखो ये लुक आ रहा है। तो ठीक है, निकलते हैं। रानी भी बिजी है अपने ब्लॉग में और संदीप भी उधर वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो निकलते हैं बाहर की तरफ। ये इस तरफ किचन एरिया है और इस तरफ आउटडोर के लिए हम निकल रहे हैं, टैक्सी कर रहे हैं। ये मेन एग्जिट है, यहाँ से निकल जाते हैं बाहर की तरफ। ये देखो, और सामने बिल्कुल फाउंटेन है और हाईवे है, ये दिल्ली बरेली हाईवे, दिल्ली लखनऊ। उस तरफ वॉशरूम एरिया है, तो ठीक है, रानी बने दो, वो अपना ब्लॉग बना रही है अभी, अंदर आ गई शायद, हाँ आ गई वो भी, बस लो रानी आ गए, संदीप जी आ गए। ये गिरना जाए आगे से, अरे देख तो लिया उसने। चलो चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर काफी सुकून है, शांति है और अच्छे इत्मीनान तरीके से खाना वाना जो भी है, सर्विस है, सब अच्छे तरीके से मिलती है। तो बस यहाँ पर क्योंकि न्यू ओपन हुआ है, तो मतलब सर्विस अच्छी है फिलहाल, खाना भी अच्छा है, सब्जी भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है और लोकेशन भी अच्छी है। ये हाईवे लखनऊ दिल्ली वाला हाईवे। तो बस निकलते हैं अपने गंतव्य की तरफ, आई मीन रानी घर। और एक या दो दिन में जैसे ही मौका लगता है वैसे आते हैं, क्योंकि हम बारिश का मौसम है, फार्मिंग का कोई काम नहीं हो रहा, फार्मिंग का तो वैसा ही है। गांव में खाली पड़ा था, तो रानी बोल रही थी भैया चलो 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 ब्लॉग बनाने, अपना ब्लॉग बनाने। मैं नहीं, चल कोई नहीं। मम्मी भी कह रही चल कोई नहीं चला जा, और फिलहाल कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो बस जैसे बारिश रुकती है फिर फार्मिंग का काम शुरू होगा, उसके बाद मतलब और भी बहुत सारे काम हैं पेंडिंग पड़े हुए, तो वो भी करेंगे। तो ठीक है, एक दो दिन रानी के घर बताते हैं। तो ठीक है, निकलते हैं हम लोग, निकलना है यहाँ से।
रानी बैठ रही गाड़ी में, उधर से संदीप जी बैठ रहे हैं और मैं भी, बस बैठते हैं और निकलते हैं अपने सफर के लिए। तो ठीक है, बाय बाय ओल्ड राव होटल। चल मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फिर बात करता हूँ तुझसे, ठीक है? सामने जेंट्स का भी बेक केयर डॉक्टर का फोन आ रहा है। तो बस लो जी, हैं लो जी, हमारी गाड़ी निकल पड़ी है। ओके बाय बाय। लो जी आ गए हाईवे पर, लखनऊ और दिल्ली हाईवे। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, मिस यू, आई लव यू ऑल।